श्रीलंका दौरा भारत के लिए मिला जुला रहा, जहां सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 सीरीज भारत ने क्लीन स्वीप करके जीती, तो वहीं पर ODI सीरीज रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत खुद क्लीन स्वीप का शिकार हो गया। यहां पर कुल मिलाकर के फैसला सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो एक एक का बराबर कर रहा। लेकिन अब कौन से वो दौरे हैं जहां पर भारतीय टीम एक बार फिर से मैदान में उतरने वाली है, तो आपको बता दूं कि फिलहाल तो लगभग 1.5 महीने तक कोई सीरीज नहीं है, उसके बाद भारत की सीरीज शुरू होने जा रही है। तो कौन सी वो सीरीज है और कौन से वो कड़े प्रतिद्वंदी हैं जो भारत में खेलने आ रहे हैं या भारत जहां पर खेलने जाएगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। श्रीलंका दौरे के बाद इंडिया की अगली सीरीज कब है, किन देशों के खिलाफ है और कहां पर है, तो यहां पर सबसे पहली जो सीरीज होने जा रही है वो होगी बांग्लादेश से और इसका समय होगा सितंबर अक्टूबर 2024 के बीच। इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे, जबकि इस सीरीज का वेन्यू जो है वो इंडिया में रहेगा, यानी कि बांग्लादेश आ रही है इंडिया में खेलने 2 टेस्ट मैच और 3 T20 मैचों की सीरीज। बांग्लादेश के इस दौरे के अगर शेड्यूल की बात की जाए तो यहां पर पहला टेस्ट मैच होगा 19 से 23 सितंबर के बीच चेन्नई में, जबकि दूसरा टेस्ट मैच होगा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच कानपुर में। इसके बाद 3 T20 मैच की बात की जाए तो पहला T20 मैच धर्मशाला में होगा 6 अक्टूबर को, दूसरा T20 मैच दिल्ली में होगा 9 अक्टूबर को और तीसरा T20 मैच हैदराबाद में होगा 12 अक्टूबर को। इसके बाद भारत में आएगी न्यूजीलैंड की टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए और ये सीरीज होगी अक्टूबर नवंबर 2024 के बीच। यहां पर वेन्यू भारत है, यानी कि न्यूजीलैंड को आना है इंडिया में 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए। इसके बाद भारत जाएगी साउथ अफ्रीका में 4 T20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए नवंबर 2024 में और यहां पर वेन्यू रहेगी साउथ अफ्रीका। अफ्रीका के दौरे के बाद फिर भारत का बहुप्रतीक्षित दौरा होगा ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर इस बार 4 के बजाय 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, यानी बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में इस बार 5 टेस्ट मैचों का मजा लेंगे, जो कि होगी नवंबर से जनवरी के बीच। और इस दौरे के बाद फिर इंग्लैंड आएगी भारत में खेलने के लिए जनवरी फरवरी 2025 के बीच में। यहां पर भारत 5 T20 मैच खेलेगी, इसके बाद 3 वनडे मैच खेलेगी और यही वो 3 वनडे मैच होंगे जो कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी से जस्ट पहले खेलेगा, क्योंकि इसके बाद सीधा फरवरी मार्च 2025 में शुरू हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी और इस चैंपियंस ट्रॉफी में फिर दुनिया की टॉप 8 टीमें हमें खेलती हुई नजर आएंगी, जहां पर भारत रोहित शर्मा की कप्तानी में एक बार फिर से ODI के चैंपियन बनने के लिए जी जान लगाएगी। तो यहां देखा आपने, श्रीलंका जैसे कमजोर प्रतिद्वंदी के खिलाफ तो हमने सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अब और भी ज्यादा कड़े प्रतिद्वंदी आ रहे हैं विश्व क्रिकेट के जाने माने नाम, चाहे वो इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, हमें इनसे भिड़ना है आने वाले समय में। तो कुल मिलाकर के इन सीरीज के बारे में आप लोगों का क्या विचार है, श्रीलंका के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए क्या इन सीरीज में भारत को दावेदार कहा जा सकता है, या फिर यहाँ पर कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये लोग अपनी टीम को एक बार फिर से चैंपियंस की तरह जिताना शुरू कर देंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।